तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले छह महीनों से रोष प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज अंबाला शंभू बॉर्डर पर नरेंद्र मोदी का पुतला आग के हवाले कर विरोध जताया। इस दौरान नए कृषि कानून वापस लेने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व भाकियू के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चौधरी ने किया। आपको बता दें कि किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार किसानों की मांग को नहीं मान लेते तब तक प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। देखिए, जो आंदोलन है हमारा तब तक चलेगा जब तक हम जीत नहीं जाते। बातचीत हो ना हो अलग बात है, लेकिन हमारा मोर्चा लगा हुआ है। और जो सरकार सोच रही थी कि अगर लंबे टाइम तक बैठेंगे तो शायद आंदोलन टूट जाएगा, आंदोलन तो बढ़ रहा है, सरकार टूट रही है। सरकार की जो है वो कमजोर पड़ रही है। पूरे देश में आज ये आंदोलन फैल गया। कितना लंबा भी उम्मीद है आपको कल चलेगा? देखिए, कभी तक चले ये तो सरकार की मर्जी है। सरकार कब तक चलवाना चाहती है, 2024 तक चलवाना चाहती है, आज खत्म करना चाहती है। हम तो आज भी खत्म करने के लिए तैयार है। हमारी मांग कोई गलत नहीं है, हम तो देश बचाने की, देश हित की मांग कर रहे हैं और सरकार जो है इस देश को बेचने की बात कर रही है। यूपी के किसानों से आपने अपील की आगे आने के लिए? हाँ, यूपी के किसानों से मैंने ये अपील की है कि जहाँ हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, अगर हम हरियाणा में, छोटा सा प्रदेश है, अगर हरियाणा में सैकड़ों जगह से हम मंत्रियों को, सरकार के नेताओं को भगा सकते हैं, यूपी वाले हमारे से ज़्यादा बहादुर लोग हैं। यूपी वाले भी ये काम करें, जहाँ भी इनके प्रोग्राम होते हैं सब प्रोग्रामों का बहिष्कार करें और सब प्रोग्रामों से इनको भगाएं। उत्तराखंड वाले अगला कदम क्या होगा जी? सरकार नहीं मानी, मोर्चे का अगला कदम? देखिए, ये तो अभी कोविड है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा कोई ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं और जो आंदोलन है वो कदम दर कदम आगे बढ़ता जाएगा। थोड़ा सा लॉकडाउन हो जाए फिर बड़ा कोई प्रोग्राम करें। विपक्षी दलों ने 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।